हेलो स्टूडेंट्स लेट्स कंटिन्यू विद चैप्टर नंबर ऑफ क्लास नाइन्थ सब्जेक्ट साइंस एंड द चैप्टर नेम इज इज मैटर अराउंड अस टुडे आई विल मेक यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर कैसे हम मिक्सचर से उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट करते हैं कुछ स्पेशल टेक्निक्स की हेल्प से नॉर्मली अगर हम देखें मिक्सचर को कैसे सेपरेट कर सकते हैं हम फिजिकल मेथड की हेल्प से जैसे हैंड पिकिंग हो गया सीविंग हो गया तो दीज आर द फिजिकल मेथड बट सम स्पेशल टेक्निक्स आर यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ द कॉम्पोनेन्स ऑफ अ मिक्सचर तो वही टेक्निक्स आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं तो पहली जो हमारी टेक्निक है वो है कि अगर डाई को हमें सेपरेट आउट करना है राइट हाउ कैन बी ऑबटेन कलर्ड कॉम्पोनेंट मीन्स डाई फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक अगर ब्लू ब्लैक इंक से हमें डाई को सेपरेट करना है तो कैसे करेंगे तो उसके लिए स्टूडेंट्स हम एक बीकर लेंगे और बीकर में उस बीकर को हाफ फिल कर देंगे पानी के साथ राइट उस बीकर के ऊपर फिर एक वॉच ग्लास रखेंगे उस बीकर के माउथ पर राइट पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक ऑन द वॉच ग्लास जैसे कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं यहाँ पर एक बीकर है बीकर में हमने हाफ इसमें वाटर भर दिया है नीचे एक स्टैंड है देन एक बर्न बंसन बर्नर जिसे बोला जाता है ये बर्नर है राइट right? बर्नर की हेल्प से हम यहाँ पर इसको हीट करेंगे राइट right? और यहाँ पे एक चाइना डिश सॉरी यहाँ पर एक वॉच ग्लास रखी गई है और इस वॉच ग्लास के अंदर हम फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक डाल देंगे ओके okay? अब जब हम इसमें इंक डाल देंगे तो हम बर्नर को ऑन करेंगे और बीकर को गर्म करेंगे तो जैसे ये पानी गर्म होता है और ये क्योंकि डायरेक्टली हम इंक को गर्म नहीं करेंगे तो हम पहले पानी को गर्म करेंगे और कंटिन्यू करेंगे हीटिंग जब तक ये वेपोरेशन नहीं होती तो हम देखते हैं कि यहाँ से वेपर्स निकलते हैं इस इंक में से वेपर्स निकलते हैं और जब ये वेपर्स निकलना बंद हो जाएंगे तो हम बर्नर को कर देंगे स्टॉप तो ऑब्जर्व करेंगे केयरफुली और रिकॉर्ड करेंगे अपनी ऑब्जर्वेशन तो यहाँ पर कुछ पार्टिकल्स रह जाएंगे जो होगी इंक तो इस प्रोसेस को बोला जाता है इवेपोरेशन प्रोसेस तो इवेपोरेशन की हेल्प से हम इस डाई को सेपरेट कर लेंगे राइट आई होप आपको जो टेक्निक है वो समझ आ गई होगी उस टेक्निक का नाम है इवेपोरेशन अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो क्वेश्चंस बनते हैं कि वी कैन सेपरेट द वो आपको क्वेश्चन देगा कि कैसे वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट्स को आप अलग कर सकते हैं तो वॉलेटाइल का मतलब होता है वो कॉम्पोनेंट जो इवेपोरेट हो जाता है जैसे कि वाटर क्या है वोलेटाइल ये इवेपोरेट हो गया बट इंक क्या थी नॉन वॉलेटाइल जो इवेपोरेट नहीं हुई तो वो थी सल्यूट और वॉलेटाइल क्या था सॉल्वेंट तो सॉल्वेंट में से हमने सोल्यूट को अलग कर लिया है वॉलेटाइल में से हमने नॉन वॉलेटाइल को सेपरेट कर लिया है किसकी हेल्प से इवेपोरेशन तो दिस वन इज द फर्स्ट प्रोसेस नाउ कम टू द सेकेंड द सेकेंड इज हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क कैसे हम क्रीम को निकालते हैं मिल्क से आजकल आप देखते हैं पैकेट्स में टॉन्ड मिल्क आता है फुल क्रीम आता है तो इस तरह के बहुत सारे टाइप्स के मिल्क आते हैं तो अब ये बोलता है कि कैसे आप क्रीम मिल्क में से निकालोगे तो इसका एग्जाम्पल हम घर में भी देख सकते हैं आपकी मदर क्या करती हैं मलाई कलेक्ट करती है मलाई को कलेक्ट करने के बाद उससे बटर निकालती हैं और फिर बटर से घी निकालती हैं तो आपकी मदर जो प्रोसेस करती है ना वो सेंट्रिफिकेशन होता है सेंट्रिफिकेशन होता क्या है एक्चुअल में सेंट्रिफिकेशन मींस कि सपोज आपकी मदर ने एक यहाँ पर कंटेनर या एक वेसल लिया उसके अंदर जो भी मलाई कलेक्ट थी उसके अंदर वाटर मिला दिया और फिर उसके अंदर आपने देखा होगा इस तरह का ये मदर क्या करती है जिसको हम दूध बिलोना भी बोल सकते हैं जैसे ब्लेंडर टाइप होता है उसको अंदर डालती हैं और उसको बहुत ज़ोर जोर से ऐसे ऐसे मूव करती हैं राइट तो उससे क्या होता है बटर हो जाता है सेपरेट उस मिल्क में से या फिर वो जो भी पानी हमने मिलाया है तो बटर निकल जाएगा बटर क्या हो जाएगा सॉलिड फॉर्म में अलग हो जाएगा और पानी अलग हो जाएगा तो ये प्रोसेस होता है सेंट्रीफिकेशन बट जो बड़ी बड़ी लैब्स होती हैं उनके अंदर ये मशीन सेंट्रिफिकेशन मशीन का यूज़ किया जाता है जैसे कि सपोज़ ब्लड सैंपल्स आपसे डॉक्टर्स लेते हैं ब्लड सैंपल्स यूरिन सैंपल्स, तो ये सब सेंट्रिफिकेशन मशीन की हेल्प से ही डायग्नोज करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है एक्चुअल में राइट तो ये होता है सेंट्रिफिकेशन तो जैसा कि मैंने बताया ये फुल क्रीम मिल्क है वो टेस्ट ट्यूब में डाल दिया सर्टिफिकेट करेंगे सर्टिफिकेट कैसे करेंगे ज़ोर ज़ोर से उसको घुमाएंगे जैसे कि मैंने बताया घर में सिमिलरली यहाँ पर हम इसकी एप्लीकेशन अगर देखें तो यहाँ एप्लीकेशनस क्या होगी एक्चुअल में इसकी ये लेबोरेटरी में जैसे मैंने बताया ब्लड और यूरिन टेस्ट में डायग्नोज करने के लिए क्या डिजीज़ है इसके लिए यूज़ किया जाता है ब्लड यूज इन जो आपकी बड़ी बड़ी जो डेयरीज होती हैं जहाँ पे दूध होता है वहाँ पे बटर क्रीम निकालने में हेल्प किया जाता है वॉशिंग मशीन में जो कपड़े सुखाने के लिए काम किया जाता है क्या होता है वाटर को अलग कर देता है गीले कपड़ों में से तो कपड़े क्या हो जाते हैं सूख जाते हैं मशीन बहुत तेजी से घूमती है और कपड़े सूख जाते हैं राइट right? तो ये थी इसकी एप्लीकेशन अब जो हमारी थर्ड टेक्निक है थर्ड टेक्निक है हमारी हाउ कैन बी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड कैसे दो इमिसिबल लिक्विड को सेपरेट कर सकते हैं सबसे पहले तो इमिसिबल लिक्विड होता क्या है इमिसिबल लिक्विड्स वो लिक्विड्स होते हैं जो एक दूसरे में क्या घुलते नहीं हैं राइट जैसे कि ऑयल और वाटर तो ऑयल और वाटर को सेपरेट करने के लिए ये टेक्निक यूज़ यूज की जाती है और इस टेक्निक का नाम होता है सेपरेशन ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स है और ये सेपरेटिंग फनल की हेल्प से होता है राइट सेपरेटिंग फनल के अंदर हम कैरोसिन ऑयल और वाटर को डाल दिया है और इसको बहुत देर के लिए हमने इसको छोड़ दिया यानी कि इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे और यहाँ देखेंगे कि ये जो सेपरेटिंग कलर है यहाँ पे एक स्टॉप कॉक है यानी कि बंद किया हुआ है इसको यहाँ से और ऊपर एक यहाँ पर भी एक कॉक लगाई हुई है ये भी तो उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ से स्टॉप कॉप को कर देंगे ओपन राइट right? ये स्टॉप कॉप क्या है इसको खोल देंगे यहाँ से तो हम देखते हैं कि जो वाटर है वो नीचे रह गया है कैरोसिन ऑयल ऊपर है तो वाटर क्या हो जाएगा यहाँ से हम कलेक्ट कर लेंगे कंटेनर में और हम इसको बहुत ही ध्यान से देखेंगे कि ऑयल नहीं आ जाए तो जैसे ही वाटर कलेक्ट कर लेते हैं हम इसको दोबारा से कॉक को कर देंगे बंद तो इस तरह से हम इन दो इमिसिबल लिक्विड्स को कर लेते हैं सेपरेट आउट राइट right? तो स्टूडेंट्स इसकी एप्लीकेशन क्या है इसकी एप्लीकेशन ये है कि अगर हमें मिक्सचर ऑयल और वाटर का अलग करना है तो हम इसकी हेल्प से करते हैं और जैसे आयरन फ्रॉम इट्स और अब जैसे और क्या होता है स्टूडेंट्स ये इम्प्योर चीज़ें इसके अंदर मिली होती है जो हम नाइन टेंथ स्टैंडर्ड में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं यहाँ पे मैं आपको रफली बता देती हूँ कि अगर मुझे आयरन निकालना है और से इसके ओर से यानी और मतलब इमप्योर सब्सटैंसेज इसमें मिले हैं तो आयरन को मुझे अलग करना है तो इस टेक्निक की हेल्प से हम अलग कर सकते हैं राइट right? अब ये प्रिंसिपल इस किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है जो इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं ये सेपरेट कर सकते हैं हम लेयर्स पे डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटी यानी कि जैसे मैंने देखा वाटर है फिर ऊपर क्या ऑयल आ गया तो इस तरह से यहाँ पर डेंसिटी पे डिपेंड करता है कि लेयर्स आ गई हैं और लेयर कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है इसकी डेंसिटी पर किसकी डेंसिटी ज़्यादा है किसकी कम है कौन कौन सी लेयर पर आ जाएगा राइट right? तो ये था हमारा कि हाउ वी कैन सेपरेट टू इमिसिपल लिक्विड नाउ कम टू द नेक्स्ट वन हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड एमोनियम क्लोराइड अब कैसे हम सॉल्ट और एमोनियम क्लोराइड को सेपरेट आउट करते हैं अब एमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट मीन्स जैसे अमोनियम क्लोराइड जो होता है स्टूडेंट्स वो डायरेक्टली सॉलिड से गैसेज में कन्वर्ट हो जाता है राइट जैसे कि हमने चाप्टर वन में भी पढ़ा था कि जो एमोनियम क्लोराइड है चेंजेस डायरेक्टली फ्राम सॉलिड टू गैसेज स्टेट ऑन हीटिंग सो टू सेपरेट सच मिक्सचर दैट कंटेनर सब्लीमेबल वॉलेटाइल कॉम्पोनेंट सब्लिमेबल वॉलेटाइल कॉम्पोनेंट यानी कि वॉलेटाइल मैंने बताया जो इवेपोरेट हो जाता है बट इवेपोरेट होकर डायरेक्ट गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है सब्लिमेबल वॉलेटाइल है ये राइट एंड नॉन सब्लीमेबल इम्प्योरिटी जैसे सॉल्ट हो गया सॉल्ट तो इवेपोरेट होगा ही नहीं तो सब्लीमेशन प्रोसेस इज यूज तो सब्लीमेशन प्रोसेस यूज किया जाता है इसके लिए सम्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड्स विद सब्लाइम जैसे कि अमोनियम क्लोराइड है कैम्फ़र है नेफ्थलीन है एंथरासिन है तो दीज आर द नोन सॉरी दीज आर द मेबल सब्लाइम राइट दीज आर द दब्लाइन तो यहाँ पर स्टूडेंट्स कैसे हम लोग सेपरेट करते है? देखते हैं समझते हैं ये हमारा बंसन बर्नर है दिस वन इज द दिसवनिदान यहाँ पर हमने एक चाइना डिश लिया है यू कैन सी हियर ये एक चाइना डिश है इसमें मिक्सचर है अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट का इसके ऊपर हमने उल्टी फनल रख दी है राइट right, तो ये फनल है यहाँ पर हमने कॉटन प्लग डाल दिया है इसमें ताकि जब हम हीट करें तो वेपर मतलब जो भी गैस बने वो बाहर नहीं जाए तो देखते हैं वेपर्स बनते हैं हीट करते हैं हम यहाँ पर ये मिक्सचर को अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट को अब स्टूडेंट्स होता क्या है जो अमोनियम क्लोराइड है ये वेपर्स फॉर्म में जब आता है तो इस बर्नर में ही यहाँ पर कलेक्ट हो जाता है राइट right? तो सॉलिडिफाइड अमोनियम क्लोराइड यहाँ पर कलेक्ट हो गया यू कैन सीर ये बने हुए हैं ये क्या है सॉलिडिफाइड अमोनियम क्लोराइड और उल्टी करके हमने फनल रखी थी ऊपर कॉटन प्लग कॉटन प्लग इसलिए लगाया था ताकि बाहर ना उड़ के चली जाए तो इस तरह से हम कलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर सॉलिड एमोनियम क्लोराइड को राइट तो ये टेक्निक होती है सब्लिमेशन अब देखते हैं कि जो डाई होती है स्टूडेंट्स जो डाई होती है इसमें सिंगल कलर होता है क्या तो वो हम चेक करते हैं कि डाई में क्या सिर्फ सिंगल कलर है या बहुत सारे कलर से मिलकर बना है तो इसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे उसमें एक हम स्ट्रिप ले लेंगे फिल्टर पेपर की और स्ट्रिप लेने के बाद हम उस स्ट्रिप के ऊपर तीन मीटर अबव जैसे सपोज ये स्ट्रिप है इसके ये स्ट्रिप है हमारी यहाँ से थ्री मीटर अबव हम क्या करते हैं एक लाइन पेंसिल से ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ पर एक इंक फाउंटेन पेन से या किसी भी एक ड्रॉप इंक डाल देते हैं हम यहाँ पर और फिर करते क्या हैं इंक डालने के बाद हम यहाँ पर फिल्टर पेपर को एक जार ग्लास में डाल देते हैं और जार ग्लास में वाटर होता है और वाटर का लेवल ऐसा होना चाहिए जस्ट मतलब जो ये इंक है इस वाटर लेवल से जस्ट अबव होनी चाहिए राइट तो हम देखते हैं इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं तो अब जब हम देखते हैं कि जैसे ही पानी इस इंक से वो करता है घुलता है तो जो इंक में होते हैं ना जो सॉलीबल होता है सबसे ज़्यादा इंक के अंदर जो कलर सॉलीबल होता है वो तुरंत ऊपर जाके लेयर बना लेता है जो बहुत ज़्यादा सॉलीबल है राइट right, फिर इसी तरह से जो उससे कम है वो यहाँ लेयर बना देगा जो उससे कम है वो यहाँ लेयर बना देता है तो इस तरह से अलग अलग कलर्स की लेयर बन जाती है तो इससे तो हमें डाई में पता चल जाता है कि कौन कौन से कलर्स हैं तो ये थी हमारी सेपरेशन ऑफ डाइज इन ब्लैक इंक यूजिंग क्रोमेटोग्राफी और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स इस प्रोसेस को कहा जाता है क्रोमेटोग्राफी क्योंकि क्रोमा का मतलब होता है कलर कलर्स को अलग करना एंड दिस टेक्निक वज़ यूज फॉर सेपरेशन ऑफ कलर्स सो दिस नेम वॉज गिवन क्योंकि ये क्रोमा है ग्रीक वर्ड है और कलर इसका ग्रीक क्रोमा का मतलब होता है कलर इसलिए क्रोमेटोग्राफी टेक्निक यूज की जाती है सेपरेशन ऑफ कलर में और हमने देखा था कि जो बहुत ज़्यादा सोल्यूबल थे वो सबसे ऊपर आ जाते हैं राइट तो यहाँ पर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक हमने समझी अब इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं यहाँ पर कलर्स इन डाई जैसे सेपरेट करना कि डाई के अंदर कौन कौन से कलर्स हैं नेचुरल कलर्स को अलग निकालना उसमें पिगमेंट कौन कौन सा कलर है जैसे टर्मरिक है येलो कलर है या ब्लड में जो ड्रग होती है यानी कि जो दवाइयों के कुछ अमाउंट्स मिले होते हैं उनको भी सेपरेट करने में ये हेल्प किया जाता है राइट right? अब देखते हैं नेक्स्ट वन हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड कैसे दो मिसिबल लिक्विड को सेपरेट किया जाता है अब स्टूडेंट्स हमने पहले समझा था इमिसिबल यानी कि जो घुलते नहीं हैं जैसे ऑयल और वाटर अब मिसिबल लिक्विड क्या हो जाते हैं जो आपस में घुल जाते हैं एल्कोहल वाटर हो गया या यू कैन से एसीटोन एंड वाटर एसीटोन क्या होता है जो आप उसमें यूज करते हैं ना थिनर में तो एसीटोन और वाटर क्या होते हैं एक दूसरे के साथ घुल जाते हैं तो इनको सेपरेट कैसे करेंगे तो आइए देखते हैं एक्टिविटी से अब इसको सेपरेट करने के लिए हम स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं डिस्टिलेशन मेथड सिंपल डिस्टिलेशन अब सिंपल डिस्टिलेशन में होता क्या है सिंपल डिस्टिलेशन में आप यहाँ देख पा रहे हैं इज अ क्लैम्प ये डिस्टिलेशन फ्लास्क होता है और यहाँ पर बंसन बर्नर है स्टैंड है अब इस फ्लास्क के अंदर स्टूडेंट हम क्या ले लेते हैं मिक्सचर लेते हैं एसिडोन और वाटर का अब यहाँ पर इस फ्लास्क के ऊपर थर्मोमीटर लगा होता है कि टेम्परेचर नोट डाउन करने के लिए और यहाँ पर ये यह एक वाटर कंडेंसर होता है आप देख पा रहे हैं दिस वन इज अ वाटर कंडेंसर और ये एक पाइप होती है इसमें वेपर्स कलेक्ट होते हैं और यहाँ पर ये यह बीकर है जिसमें हम प्योर एसीटोन को कलेक्ट करेंगे और यहाँ पे देख रहे हैं आप ये पाइप बनी हुई है यहाँ से ठंडा वाटर होता है वो जाता है अंदर और ऊपर से वाटर निकल जाता है बाहर तो होता क्या है जब हम इसको गर्म करते हैं एसीटोन और वाटर के मिक्सचर को तो एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत आ, कम होता है एज़ कंपेयर टू तो वाटर वाटर का हंड्रेड डिग्री सेल्सियस होता है एसीटोन का इससे कम रहता है तो ऐसी पहले गर्म हो जाएगी और भाप बनकर ऊपर आएगी वेपर्स फॉर्म में और यहाँ पर आप देख पा रहे हो एक यहाँ पर एक होल किया होता है इस ट्यूब के अंदर ये वेपर्स कलेक्ट हो जाते हैं और यहाँ से मैं ठंडा पानी अंदर डालूंगी इसमें तो ठंडा पानी इस वेपर को क्या करता है कूल डाउन करता है और वेपर कूल डाउन होने पर कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड में राइट right, तो वेपर आ जाता है लिक्विड फॉर्म में ड्रॉप की फॉर्म में आप देख पा रहे हैं बी बीकर में आ जाते हैं और ये क्या होगा एसीटोन और जो ये पानी था इधर से बाहर निकाल देते हैं फिर तो इस तरह से ये सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस है और यहाँ पर दो मिसिबल लिक्विड्स को हम सेपरेट आउट कर सकते हैं और ये प्रोसेस स्टूडेंट्स ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस से अबव जो डिफरेंस रहता है उनके लिए यूज किया जाता है बट अगर दो मिसिबल लिक्विड का डिफरेंस ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस से कम होगा तो हम यूज़ करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस राइट तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस बिल्कुल डिस्टिलेशन की तरह होता है बस डिफरेंस होता है यहाँ पर एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम लगा दिया जाता है यानी कि फ्रैक्शीनेटिंग कॉलम भी इसको बोला जाता है तो फ्रैक्शीनेटिंग कॉलम का काम क्या होता है यहाँ पर ग्लास बीड्स होती हैं इसके अंदर ये ग्लास ग्लास की बीड्स लगी रहती हैं और जो वो वेपर्स होते हैं ना वो ये बीड्स में आ जाते हैं कलेक्ट हो जाते हैं तो वेपर्स का सरफेस एरिया बढ़ जाता है और उसको टाइम मिल जाता है थोड़ा सा कूल डाउन होने के लिए तो इसीलिए यहाँ पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर यहाँ पर फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है जो ग्लास बीज होती है जो एरिया बढ़ाता है सरफेस एरिया किसका और वेपर्स का सेम प्रोसेस वही रहता है अबाकी का यहाँ वेपर्स आएंगे सरफेस एरिया बढ़ेगा और रिपीटिंग डिस्टिलेशन होगी और यहाँ से वेपर्स आएंगे कूल डाउन होंगे फिर कलेक्ट कर लिया जाएंगे प्योर फॉर्म में ये था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अब देखते हैं नेक्स्ट टेक्निक जो एयर होता है ना स्टूडेंट वो भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ही अलग की जाती है क्योंकि एयर भी क्या होती है मिक्स एयर के अंदर बहुत सारी गैसेस मिक्स होती हैं तो इसको भी हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट करते हैं आइए देखते हैं कैसे जो एयर होती है ना एयर को सबसे पहले कंप्रेस किया जाता है इसमें प्रेशर को बढ़ाया जाता है यानी प्रेशर को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है तो एयर को दबा लिया जाता है कंप्रेस कर लिया जाता है उसके बाद टेम्परेचर किया जाता है कम तो प्रेशर को बढ़ाएंगे याद रखेंगे टेम्परेचर को करेंगे कम यानी कि कूल डाउन तो जैसे ही हम प्रेशर बढ़ाते हैं और टेम्परेचर को कूल cool डाउन करते हैं तो एयर होती है वो लिक्विड एयर बन जाती है और फिर हम उसको दोबारा से थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाते हैं वार्म अप करते हैं और फिर जो गैसेस होती हैं वो सेपरेट हो जाती है अलग अलग हाइट्स पर अलग अलग कॉलम्स पर जैसे कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से देखेंगे ऑक्सीजन है उसका माइनस वन एटी थ्री है तो इस तरह से ये आर्गन हो गया नाइट्रोजन है तो अलग अलग गैसेस को सेपरेट आउट कर लिया जाता है ये तो एक फ्लो चार्ट था अब इसका देखते हैं कि किस तरह का अपरेटस यूज होता है यू कैन सी हियर सेपरेशन ऑफ कॉम्पोनेंट्स ऑफ एयर कैसे जैसे यहाँ पर हमने एयर डाला एयर जैसे ही आया उसको हाई प्रेशर दिया टेम्परेचर को लो किया फिर गर्म एयर दोबारा से उसको गरम किया फिर इस तरह से यहाँ पर ये यह वाटर यहाँ पर देखते हैं हम फ्रीजिंग कोल्ड वाटर होता है यहाँ पर ठंडा पानी डाला जाता है यहाँ से बाहर होता है तो ये जो वेपर्स होते हैं ना स्टूडेंट्स ये ठंडे होकर कंप्रेस होकर सेपरेट आउट कर लिए जाते हैं और सबका अलग अलग जैसे ते, बॉइलिंग टेम्परेचर होता है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड यहीं सेपरेट कर ली फिर आया लिक्विड एयर की कन्वर्ट मतलब लिक्विड एयर ही है ये हमारी क्योंकि ठंडी हो गई है हवा फिर यहाँ पे नाइट्रोजन को सेपरेट कर लिया यहाँ से आर्गन को सेपरेट कर लिया इस तरह से यहाँ से लिक्विड ऑक्सीजन को सेपरेट कर लिया ये फ्रैक्सीडे फ्रैक्शनल डिस्प्लेन कॉलम है यानी कि अलग अलग कॉलम में अलग अलग, अलग, अलग गैसेज सेपरेट आउट कर ली तो इस तरह से सेपरेशन ऑफ कॉम्पोनेंट ऑफ एयर ये हमारा एपरेटस था और इस तरह से हम एयर की अलग अलग गैसेस को सेपरेट आउट कर सकते हैं राइट अब देखते हैं हम लोग कि कैसे हम प्योर कॉपर सल्फेट को इम्प्योर सैम्पल से अलग करते हैं यानी कि अगर आपको क्वेश्चन आता है कि प्योर और इमप्योर को सेपरेट करना है तो कौन सा प्रोसेस यूज होता है तो वही हम देखेंगे वो प्रोसेस होता है क्रिस्टलाइजेशन जैसे आप देखते हो जो समुद्र में से नमक को अलग किया जाता है वो इसी टेक्निक से किया जाता है तो हाउ कैन वी ऑबटेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल तो इसमें क्या किया जाता है स्टूडेंट्स इसके अंदर सपोज हम पाँच ग्राम इम्प्योर सैंपल ले लेते ले हैं ऑफ कॉपर सल्फेट का जो कॉपर सल्फेट है वो पाँच ग्राम हमने ले ली है चाइना डिश के अंदर तो डिजॉल्व कर दिया इसमें मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर इसमें थोड़ा सा पानी मिला दिया एंड फिल्टर फिल्टर द इम्प्योरिटीज़ आउट और फिल्टर कर ली हमने जो इम्प्योरिटी थी यानी कि सबसे पहले हमने छान छान यू कैन से कि फ़िल्टर करना छान लिया इम्प्योरिटीज़ को एंड फिर हम क्या करेंगे इवेपोरेट वाटर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन वहाँ से पानी को जैसे इवेपोरेशन टेक्निक में क्या होता है स्टूडेंट्स उसमें तो हम डायरेक्ट ही गर्म करना शुरू कर देते हैं बिना छाने बट यहाँ पर हम सबसे पहले फिल्टर करेंगे इम्प्योरिटीज़ को उसके बाद इवेपोरेट करेंगे राइट right? तो ये टेक्निक बेटर होती है एज़ कम्पेयर टू इवेपोरेशन तो यहाँ पर हम फिर सेचुरेटेड सोल्यूशन को सेपरेट कर लेते हैं एंड कवर कर देते हैं सोल्यूशन विद अ फिल्टर पेपर एंड लीव इट और उसके बाद सोल्यूशन को कवर कर देंगे और थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे फिल्टर पेपर के ऊपर ही छोड़ देंगे तो उसके बाद हम क्या देखते हैं कि जब वो ठंडी हो जाती है ना तो क्रिस्टल्स बन जाते हैं कॉपर सल्फेट के चाइना डिश पे क्रिस्टल्स आ जाते हैं राइट तो इस टेक्निक को बोला जाता है क्रिस्टलाइजेशन यानी कि क्रिस्टल बन जाना तो इस तरह से ये टेक्निक जो होती है ये बहुत सारी मतलब एप्लीकेशंस हैं इस टेक्निक की जैसे कि सॉल्ट को अलग करना जो सी से सी वाटर से है या फिर जैसे फिटकरी होती है फिटकरी को सेपरेट आउट करना इम्प्योर सैंपल से तो ये इस तरह से हम देखते हैं कि कैसे हम ये मेथड यूज़ करते कैसे किया हमारी इसकी एप्लीकेशंस हैं अब हम देखते हैं कि ड्रिंकिंग वाटर जो होता है ना वो कैसे प्योर किया जाता है कैसे हम वाटर प्योरीफिकेशन सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है तो उसमें होता क्या है जो रिज़र्वर है यहाँ पर पानी है स्टूडेंट्स यहाँ से पानी जब आता है तो सेडिमेंटेशन टैंक में आता है यानी कि इम्प्योर वाटर आया यहाँ पर जो इम्प्योरिटीज़ थी वो सेटल डाउन होगी नीचे ये सेडिमेंटेशन टैंक में इम्प्योरिटीज को हम नीचे बैठने देते हैं उसके बाद ये सेपरेट होता है फिर दूसरे यहाँ पर जब इम्प्योरिटीज नीचे बैठ गई तो ये जो पानी आता है वो लोडिंग टैंक में आ जाता है तो लोडिंग टैंक में क्या होता है स्टूडेंट्स कुछ सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ होती हैं यहाँ पर मतलब कि जो नीचे नहीं बैठती हैं राइट जैसे सेडिमेंटेशन टैंक में हमने बोला कि जो इम्प्योरिटीज नीचे बैठ गई बट कुछ इम्प्योरिटी ऐसी भी होंगी जो सस्पेंडेड रहती हैं यानी कि उसी के अंदर फंसी रहती हैं ऊपर ही घूमती रहती हैं तो वो लोडिंग टैंक में कलेक्ट कर ली जाती है फिर लोडिंग टैंक आगे इसको पास करता है फिल्ट्रेशन टैंक में यहाँ पर फिल्टर्स होते हैं तो फिल्ट्रेशन टैंक में ये फ़िल्टर कर लिया जाता है राइट उसके बाद जब ये पानी यहाँ पर फिल्ट्रेशन टैंक में फिल्टर कर लिया जाता है फिर ये फिल्टर पानी इधर आता है नेक्स्ट टैंक में जो क्लोरीनेशन का काम होता है यानी कि यहाँ पे क्लोरीन डाली जाती है तो जो पानी आया उसमें जो भी बैक्टीरिया थे उनको मारने के लिए क्लोरीन का यहाँ पर मतलब क्लोरीन से इस पानी को और ज़्यादा फिल्टर किया जाता है और फिर घरों में यूज़ कर लिया जाता है इस तरह से वाटर प्योरीफिकेशन वर्क करते हैं तो ये तो स्टूडेंट्स हमारी टेक्निक्स स्पेशल टेक्निक्स जो हमने समझी